नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड की बात करते हैं। इस वीडियो में आज डिविडेंड की बात करते हैं। कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी 22 मार्च 2022 को, तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, डिक्लेयर किया है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने। तो जो एक्सचेंज को अपडेट दिया है, देखिए एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड हैज इन्फॉर्म्ड द एक्सचेंज दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट इट्स मीटिंग हेल्ड टूडे हैज इंटर आलिया डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹2.50 पर इक्विटी शेयर। ₹2.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, डिक्लेयर किया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के पास भी अगर 50 या 100 शेयर हैं तो उनको ₹2.50 के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और ये जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है, डिक्लेयर किया है एसबीआई कार्ड ने, इसको पाने के लिए जो शर्त है, रिकॉर्ड डेट है दोस्तों, वो है जो रिकॉर्ड डेट है, द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज इंटरिम डिविडेंड इज थर्सडे मार्च 31, 2020। रिकॉर्ड डेट है 31 मार्च 2022 तक। जिनके डीमैट में 31 मार्च 2022 तक शेयर होंगे वो शेयर होल्डर एलिजिबल होंगे, ₹2.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से उनको डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। जिनके पास पहले से और जिनके पास पहले से शेयर पड़े हुए हैं तो 31 मार्च 2022 तक डीमैट में शेयर होने चाहिए दोस्तों। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, 31 मार्च 2022 तक शेयर होने चाहिए डीमैट में जिनके पास पहले से पड़े हुए हैं। और जो लेना चाहते हैं, जैसे कि आज 23 मार्च 2022 है तो एक्स डेट, जैसे कि अब 31 मार्च 2022 रिकॉर्ड डेट है तो एक्स डेट होगा 30 मार्च 2022। तो 30 मार्च को जो खरीदारी करेंगे उनको नहीं मिलेगा। जो लेना चाहते हैं ₹2.50 का डिविडेंड एसबीआई कार्ड से, तो उनको जो मौका है, अभी जो मौका है 23 मार्च होगा, उनको जो मौका है 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च को शनिवार है और 27 मार्च को संडे है, 29 तारीख तक जो खरीदारी करेंगे उनको ₹2.50 का डिविडेंड मिलेगा। और एक महीने के अंदर अनाउंसमेंट के बाद एक महीने के अंदर पेमेंट भी हो जाता है दोस्तों। जिनके पास पहले से शेयर्स पड़े हुए 31 मार्च 2022 तक उनको डिमेट में शेयर्स रखने पड़ेंगे, और जो लेना चाहते हैं तो 23 मार्च से 29 मार्च के बीच जो खरीदारी करेंगे वो भी एलिजिबल होंगे ₹2.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। मान के चलिए किसी के पास 50 है, 20 है, 100 है, तो ₹2.50 कर लीजिए, वो डिविडेंड का अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, ₹2.50। रिकॉर्ड डेट होगी 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 तक जो शेयर होल्डर्स अपने डीमैट में शेयर रखे होंगे, जिन्होंने पहले खरीदा है या इसके बीच में, जैसे कि 23 मार्च से खरीदारी करेंगे, 23 मार्च से 29 मार्च के बीच, वो भी एलिजिबल होंगे। और जिन्होंने पहले से खरीद रखा है, उन्होंने पहले से खरीद रखा है तो 31 मार्च 2022 तक उनको डीमैट में शेयर रखने होंगे, और 30 मार्च को जो खरीदारी करेंगे उनको नहीं मिलेगा। एक्स डेट के दिन जो खरीदारी करेंगे उनको नहीं मिलेगा। और एक्स डेट के दिन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्स डेट के दिन प्राइस एडजस्ट होता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल स्टॉक प्राइस है 847-850 में दोस्तों, तो उस दिन एक्स डेट के दिन थोड़ी बहुत गिरावट आती है, ये ध्यान दीजिएगा जो डिविडेंड भी लेना चाहते हैं। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो ये ऊपर के लेवल से गिरा है। तो दोस्तों, ये डिविडेंड के बारे में जानकारी थी। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। और शेयर प्राइस इस वक्त एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का 861 में चल रहा है 23 मार्च 2022 को, और इसमें गिरावट रही है। 1165 से गिरकर लगभग 700 तक स्टॉक आया है, और इसमें थोड़ी बहुत तेजी आई है ऊपर की तरफ। स्टॉक आया 862 तक आया, 862 तक आया तो ऊपर की तरफ 884.55 के आसपास स्टॉक जाता है, तो फिर 900 को क्रॉस करते हुए 930 से 935 तक स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है।
और 935.40 रुपया के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब इसमें फिर एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है, 1000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ब्रोकरेज हाउसेज का जो टारगेट है 1000 तक का है, बट अभी स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे की तरफ है, अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने, और 1165 इसका हाई था, 52 हाई, वहाँ से गिर कर 700 तक आया, तो बढ़ने में समय लग सकता है दोस्तों। फिलहाल देखिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के द्वारा 25% का 2.50 रुपया का डिविडेंड मिलेगा पर इक्विटी शेयर। रिकॉर्ड डेट तक शेयर्स होने चाहिए वो शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे, और रिकॉर्ड डेट है 31 मार्च 2022, और जो जिनके पास नहीं है तो बीच में ये जितने दिन बचे हैं तो उसके हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। 30 मार्च 2022 एक्स डेट है, उस दिन जो खरीदारी करेंगे उनको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो 29 मार्च तक खरीदारी का मौका रहेगा SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का डिविडेंड लेना है तो। तो दोस्तों ये SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है उसका अपडेट था। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर बाजार से जुड़े रहने के लिए, स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए, जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।